भारत चीन की लड़ाई में रूस देगा किसका साथ? चीन को अपना भाई बताने वाला रूस क्या भारत को दिखाएगा ठेंगा? भारत को अपना दोस्त कहने वाला रूस क्या चीन से करेगा किनारा? भारत चीन के संदर्भ में क्या कहती है रूस की कुंडली? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह कुंडली एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजिकली एनालिस्ट मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। 1962 के युद्ध में रूस ने भारत को जहाँ अपना दोस्त बताया था, तो वहीं चीन को अपना भाई बताया था। लेकिन आज जब भारत और चीन के बीच, दोनों मुल्कों के बीच तनाव का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में रूस के दोनों मुल्कों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और रूस चाहता है कि बातचीत के ज़रिए दोनों मुल्क अपना आपसी ये मसला सुलझाएं। और ऐसे में आज हम एस्ट्रोलॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे, रूस जिसका भारत और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन जहाँ उसे भारत और चीन को किसी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसकी साइड लेगा। तो मैं जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार अगर बात की जाए चीन के संदर्भ में, क्योंकि चीन के साथ रूस के बहुत अच्छे संबंध है, उसने अपना भाई रूस को बताया है, दोनों के बीच सैन्य रिश्ते भी कह लीजिए, कूटनीतिक रिश्ते भी कह लीजिए, फॉरेन रिश्ते भी कह लीजिए, हर स्तर पर बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं, चीन के संदर्भ में रूस उसका कितना साथ देगा? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ग्रह चार बदलती है, राजनीति बदलती है, राजनीति के बदलते हैं, लेकिन जो दोनों देशों के संबंध होते हैं, अगर मित्रता पुरानी रहती है तो वो संबंध मजबूत होते रहते हैं जी। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री रहता है उसके आधार पर भी बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बदलती रहती हैं। तो अगर देखें तो अब एक न्यूट्रल की भूमिका यहाँ पर रशिया निभा सकता है आने वाले समय, मुझे जो लगता है। चाइना का भी बहुत अच्छा मित्र है और भारत का भी पुराना दोस्त है और हमेशा भारत के साथ वो खड़ा था जी। तो इस समय स्थितियाँ बता रही है कि चाइना एक ऐसा न्यूट्रल विचारधारा के साथ चल सकता है कि वो भारत को साथ लेकर, और ये बोलेगा चाइना को रशिया कि रशिया एक ऐसा न्यूट्रल एस्पेक्ट लेके चल सकता है कि वो भारत का पक्ष ज़्यादा लेगा और चाइना को ये बोलेगा कि किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से दूर जाना चाहिए। ये इस समय गृह स्थिति बन रही है कि चाइना की जो कुंडली में मैं देख रहा हूँ, देखिए जब दो मित्र होते हैं, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल उसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई एक न्यूट्रल फ्रेंड है और हम दो सामने मेरा व्यक्ति और मेरे के अंदर कोई अगर संबंध खराब है, तो न्यूट्रल जो फ्रेंड है वो अंडरस्टैंडिंग बेटर कराने की कोशिश कर सकता है दोनों के अंदर से। तो यहाँ पर वही स्थिति इस समय रशिया की है, लेकिन जब चाइना के सितारे ही ख़राब चल रहे हों तो ये बातें संभावना बहुत कम है कि रशिया जो है वो चाइना का ज़्यादा फेवर देगा जी। हालात ये बनते हैं और कहीं ना कहीं जो है क्योंकि इस परिस्थितियों में भारत बिल्कुल अपनी जगह सही है, तो पक्ष जो है वो झुकाव जो है रशिया का ज़्यादा प्रतिशत भारत की तरफ ही रहेगा। और भारत की गृह स्थिति जो है दिसंबर के बाद से और भी बेहतर हो रही है, तो वो सुखद परिस्थितियाँ बनाती हुई नज़र आ रही हैं भारत के लिए। मैं जी, जैसे आपने बताया ना, ज्योतिष शास्त्र में मित्र राशियों के बीच में काफ़ी घनिष्ठता होती है, और ठीक उसी तरह अगर आज के दौर में देखा जाए तो दोनों मुल्कों के बीच के रिश्तों में कितनी मजबूती आती है, ये दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मित्रता पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब अगर मैं बात करती हूँ भारत की, तो पिछले कई दशकों से भारत और रूस के संबंधों में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आज के टाइम पर देख लिया जाए तो जो सैन्य उपकरण होते हैं उसकी खरीद के मामले में भी भारत ने रशिया को नंबर वन किया हुआ है। रशिया से सबसे ज़्यादा सैन्य उपकरण खरीदता है, रशिया के बाद अमेरिका, इज़राइल और फिर जाके आपका जर्मनी का नंबर आता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक दौर वो भी था जहाँ रूस सबसे पहले चीन का फेवर करता था, क्या लगता है आने वाले वक्त में? आपने जैसे एक संकेत तो दे दिया है कि भारत का समर्थन करेगा, लेकिन कितना समर्थन मिलेगा और किस तरह से भारत को पुतिन की तरफ से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी रिश्तों में?
देखिए, इसमें सबसे बड़ा कुंडली के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो ग्रह स्थिति जैसे चल रही है, और जैसे मैंने बोला था कि अभी जो ग्रह स्थिति है, भारत को पड़ोसी देशों का सहयोग उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा या वो खुल के सामने नहीं आ पाएंगे, तो 19 दिसंबर 2020 के बाद जैसे ही चंद्रमा में से शनि की दशा हटेगी तो बुध की अंतरदशा आ रही है, तो ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ जिनके साथ संबंध खराब हो चुके हैं या ख़राब हैं उनसे हालात, युद्ध वाले हालात बिल्कुल पूरी तरह से टाल देगा और स्थितियां बेहतर होती भी चली नज़र आएंगी, और जो भारत के मित्र हैं वो भारत के पक्ष में आ जाएंगे और काफ़ी हद तक पक्ष में रहेंगे, भारत अपनी बात मनवाने में उन पड़ोसी मित्रों देशों के सामने कामयाब रहेगा। तो ये परिस्थिति बनती है जब समय अच्छा आता है। ये तो हमने बात की रूस की, लेकिन अगर बात करते हैं हम अमेरिका की, जो डे वन से ही भारत के साथ खुलकर उसका भारत का समर्थन कर रहा है, और जो कि उसने बोला भी भाई एशिया में कोई घटना घटती है जो भी कुछ होता है तो वो भारत को सपोर्ट करेगा, क्या लगता है अमेरिका का बीच में आना, भारत का साथ, उसका स्टैंड लेना, इन चीज़ों को किस तरह से बदल देगा? देखिए, अमेरिका के भारत का स्टैंड लेने के बाद ही हम कहते हैं कि चाइना की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है, उनकी सोच में बदलाव आया है। अगर ये इतना बड़ा सहयोग नहीं मिलता तो शायद वो आज इस तरीके से शांत होकर ना बैठते या बातचीत करने को मजबूर ना होते। और अमेरिका की जो ग्रह स्थिति मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की कुंभ राशि है, अब शनि की 7.5 इस समय चल रही है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका की ये मजबूरी रहेगी आने वाले कम से कम 2 से 3 साल कि वो अपने मित्र देशों को साथ लेके चले। अगर वो अपना रुतबा, अपना प्रभुत्व विश्व में बढ़ाना चाहता है, बिना सहयोग के अमेरिका अब आगे नहीं बढ़ पाएगा जी। ये उनके गृह स्थिति समय चल रही है, इसलिए वो भारत को, उनको पता है कि दक्षिण एशिया में जो कंट्रीज हैं, भारत एक मजबूत देश है और भारत को अगर हम अपने साथ रख के चलेंगे तो उनको इसका बड़ा बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं चाइना को भी दबाने में, जो कि उनका शत्रु है अमेरिका का, उसमें भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं भारत को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, और इसके पीछे शनि एक ग्रह जिम्मेदारी निभा रहा है कि चाइना को जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब अमेरिका को कहीं ना कहीं मिलजुल कर आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि जो एक महाशक्ति अमेरिका थी जब सब उसकी बात मानते थे, लेकिन अब परिस्थितियों में फ़र्क पड़ चुका है, अब अमेरिका उतनी बड़ी सुपर पावर के रूप में काम नहीं कर पाएगा, अब उसको और देशों का सहारा लेके सुपर पावर बनना होगा। मैं जी जाते जाते बस मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये जानना चाहती हूँ कि आज के दौर में आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको, भारत की जितने भी ताकतवर मुल्क हैं वो चीन के पक्ष में ज़्यादा जाते हुए नजर आएंगे या फिर भारत के पक्ष में? क्योंकि आपके साथ मैंने कई बार भारत की कुंडली डिस्कस की है, मोदी जी की कुंडली डिस्कस की है, तो उसके बेस पे आप बताइएगा। देखिए, अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखकर जो उनका समय पावरफुल चल ही रहा है, अभी भी स्ट्रांगली काफ़ी अच्छे उनके ग्रह हैं, और देश के हमारे जो ग्रह नक्षत्र दिसंबर से अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो पड़ोसी जो देश हैं या जो भारत के जो मित्र हैं, उनमें पड़ोसी मित्र भी हैं, और अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया है, जैसे जर्मनी हो गया है, ये भी भारत का साथ देंगे, और मुझे तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जो पूर्वी देश हैं ये भी भारत का साथ देंगे इन परिस्थितियों में। तो भारत के सितारे तो बहुत मजबूत हैं, शनि की स्थिति जो है भारत को और मजबूत बनाती भी नज़र आ रही है आने वाले समय में। तो ये थे मैं शर्मा जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की फिलहाल जो तनाव भारत और चीन के बीच में है, और ऐसे में दुनिया के जो ताकतवर मुल्क है, अगर बात की जाए अमेरिका और रशिया और बाकी अन्य देशों की, तो वो किसके पाले में जाते हुए दिखेंगे। और जैसे कि मयंक जी ने एक तरफ से संकेत दे दिया है कि शनि की जो मजबूती है भारत की कुंडली में, वो ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत को भी सबसे आगे लेकर ले जाएगी। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।